बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमने पढ़ना है जनाब असेंडिंग कोलोन के बारे में। दिस इज़ असेंडिंग कोलोन, दिस इज़ ट्रांसवर्स एंड दिस इज़ डिसेंडिंग। असेंडिंग कोलोन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। असेंडिंग कोलोन आपके पास सीकम के बाद, दिस इज़ सीकम, सीकम के बाद लार्ज इंटेस्टाइन का सेकेंड पार्ट है। दिस इज़ असेंडिंग कोलोन। इसकी अगर लेंथ की बात की जाए तो 5 inches ये लॉन्ग है, 5 inches इसकी लेंथ है। और अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो जो आपके पास राइट इलेक फोसा है, ये इलियम बोन है, दिस वन इज इलियम बोन, ये इलियम बोन है। राइट इलेक फोसा के अंदर आपके पास आपको असेंडिंग कोलोन मिलेगी। नीचे से राइट इलेक फोसा और ऊपर से यहाँ से लिवर जो है ना वो हटाया गया है, ये नीचे वाले स्ट्रक्चर आपको दिखाने के लिए। तो लिवर का ये जो राइट लोब होता है यहाँ पे, वहाँ तक इसकी एक्सटेंट है। नीचे से राइट इलेक फोसा और ऊपर से आपके पास राइट लोब ऑफ लिवर। ओके, अगर हम बात करें कि आप इसको लोकेट अगर करना चाहें बॉडी में तो कहाँ करेंगे, तो जो आपकी इलियम बोन है, जहाँ पे आपकी सीकम मौजूद थी, बेसिकली सीकम के फौरन बाद तो असेंडिंग कोलोन स्टार्ट हो जाती है। दैट्स वाई इसको हम यहाँ से अप्रोच करना स्टार्ट करते हैं। और ऊपर से जो है ये आपका ये वाला है राइट कॉलिक फ्लेक्चर। राइट कॉलिक फ्लेक्चर मीन्स वो टर्निंग पॉइंट है जहाँ से आपका असेंडिंग कोलोन ट्रांसफर कोलोन में चेंज हो रही है, दिस इज़ राइट कॉलिक फ्लेक्चर। तो राइट कॉलिक फ्लेक्चर तक, सीकम से लेके राइट कॉलिक फ्लेक्चर तक आपकी असेंडिंग कोलोन है। ओके, अगर हम बात करें कि पेरिटोनियम से इसकी अटैचमेंट, तो पेरिटोनियम इसको फ्रंट से भी असेंडिंग कोलोन को इसने कवर किया हुआ है और पीछे से भी इसको कवर किया हुआ है। अगर हम इसके रिलेशंस की बात करें कि इसके आगे क्या है, इसके पीछे क्या है, इसके लेटरल क्या है, इसके मिडियल क्या, ओके लेट्स टॉक अबाउट इट। एंटीरियर की बात करते हैं कि इससे जो है ना वो हमारे पास एंटीरियरली क्या होगा। इससे एंटीरियरली हमारे पास ये ड्यूडेनम है, ये ड्यूडेनम है, और ड्यूडेनम के बाद जो है वो कॉइल्स ऑफ ज्यूजनम। तो जो कॉइल्स ऑफ ज्यूजनम हैं वो इसके एंटीरियर रिलेशन में हमें मिलेंगे। एक तो हमें मिलेंगे कॉइल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि ज्यूजनम, और सेकेंडली हमें एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल मिलेगी, वो तो सारी सी बातें आगे होनी है। एंड थर्डली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ग्रेटर ओमेंटम, ग्रेटर ओमेंटम और लेसर ओमेंटम, मेसेंट्री, इसके बारे में हम अलग लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इसकी जो डिटेल है वो आपको दूसरे लेक्चर में मिल जाएगी। तो इसके एंटीरियर रिलेशन में हमने देखा हमारे पास है कॉइल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसके अलावा एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है, और जो ग्रेटर ओमेंटम है वो। इसके अगर पोस्टीरियर की बात करें कि इसके पीछे क्या है, तो पीछे क्या होगा इसके, ऑब्वियसली आपके पास ये जो मसल है सॉस मसल है, यहाँ पे ट्रांसवर्स एब्डोमिनस और जितने भी आपके पोस्टीरियरली बैक के मसल्स हैं वो सारे होंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो ब्लैक कलर में आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ द किडनी, ये इधर भी है और इधर भी है, दिस वन इज़ द राइट किडनी। राइट किडनी भी इसके पोस्टीरियर रिलेशन में आएगी। ओके, तो ये इसके हो गए रिलेशन। ओके, अब हम आ जाते हैं इसके ब्लड सप्लाई पे। इस पार्ट की जो ब्लड सप्लाई है वो हमारी आनी है जिससे सीकम को आ रही थी, व्हाट वाज दैट, दैट वाज फ्रॉम दी सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी से हमारी दो आर्टरीज निकलती हैं, एक इलियोकॉलिक और एक राइट कॉलिक आर्टरी। राइट कॉलिक एक की एंटीरियर ब्रांच होती है, पोस्टीरियर ब्रांच होती है। तो ये जो सुपीरियर मेसेंटेरिक है उसकी दोनों ब्रांचेज इसको सप्लाई करती हैं, इलियोकॉलिक भी और राइट कॉलिक आर्टरी भी इसको सप्लाई करती हैं। अगर वीनस ड्रेनेज की बात की जाए तो जिस तरह आर्टरीज हैं बिल्कुल उसी नाम से कॉरस्पॉन्डिंग आपकी वेन्स हैं, और ये अल्टीमेटली जाके ड्रेन होंगी सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन में। अगर लिम्फ ड्रेन की बात की जाए, लिम्फ ड्रेनेज की, तो इस वाले पार्ट की जो लिम्फ ड्रेनेज है वो भी हमारे पास लिम्फ यहाँ से कलेक्ट होगा और अल्टीमेटली जाएगा सुपीरियर मेसेंटेरिक लिम्फ नोड्स के अंदर। अगर नर्व सप्लाई की बात की जाए तो इस पार्ट की नर्व सप्लाई जो है वो, जैसे कि हमें पता है कि हमारे पूरे सिस्टम को यहाँ पे जो पैरासिम्पथैटिक है वो वेगस नर्व से ही आ रही है, और जो सिंपथैटिक है वो आ रही है सुपीरियर मेसेंटेरिक प्लेक्सस से आपकी आ रही है जनाब, पैरासिम्पथैटिक और पैरासिम्पथैटिक माई वेगस नाव से। दिस इज़ ऑल अबाउट दी असेंडिंग कोलोन। थैंक यू।